हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। तुम जुबान खोलने से पहले देख लो तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम्हें दुनिया ने सर पे बिठाया होगा लेकिन खालिद इब्ने वलीद के पैर की धूल भी नहीं हो। और जब खालिद इब्ने वलीद को इजाजत नहीं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में बात करें, तो आपको यह इजाजत नहीं है कि हजरत मुआविया या हजरत अली, हसन और हुसैन या हजरत उस्मान या हजरत उमर या अबू बकर या किसी भी और सहाबी से मुतालिक कोई बात खोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, इन दोनों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई, किसी मसले पे बात हो गई। इंसान थे, सहाबा के पास अपने मामलात होते थे। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में कुछ कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, तो आपने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, तुम मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मुबशर बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है। क्या हुआ, खालिद इब्ने वलीद ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पे बात की, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में बुरा भला मत कहो। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की गलती नहीं है इसलिए बुरा भला मत कहा, नहीं, शरफ सोहबत का तकादा है कि कुछ ना कहो। और किसको मना कर रहे हैं, खालिद इब्ने वलीद को। और खालिद इब्ने वलीद कौन है, ये वही है जिनको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कहा। इस्लाम की इतनी अजीम खिदमत खालिद इब्ने वलीद ने की हुई है कि अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से कहा सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। जिसकी खिदमत इस्लाम का ये मेयार हो कि नबी की जबानी अल्लाह की तलवार होने का लकब पाए, उसको जब अल्लाह के नबी इजाजत ना दे कि सहाबा के बारे में जबान खोले, तो अहरे गहरे नत्थू खैरे को क्या पहुंचता है कि सहाबा के हक में जबान खोले। तुम जबान खोलने से पहले देख लो तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम्हें दुनिया ने सर पे बिठाया होगा लेकिन खालिद इब्ने वलीद के पैर की धूल भी नहीं हो। और जब खालिद इब्ने वलीद को इजाजत नहीं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में बात करें, तो आपको यह इजाजत नहीं है कि हजरत मुआविया या हजरत अली, हसन और हुसैन या हजरत उस्मान या हजरत उमर या अबू बकर या किसी भी और सहाबी से मुतालिक कोई बात खोलो। याद रखो भाइयों, जिससे आसमान वाला राजी हुआ उससे मुझे और आपको कभी नाराज नहीं होना चाहिए। एक अकलमंद इंसान के लिए इससे बड़ी